क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मेरी दीदी। सुनो हमें बहुत घबराहट हो रही है। इसमें घबराना क्या दीदी, सिर्फ 3-4 सवालों का जवाब देना है, कौन सा यूपीएससी का इंटरव्यू देना है। बहुत ही प्यारी लग रही हो आप। चल बेटा। चलो दीदी। अरे तू कहाँ चली, क्यों तू बैठी इधर ही? लड़की देखा देखी में सुंदर लड़कियां नहीं जाती है, इससे लड़के वालों का मन बदलने का डर होता है। हम नहीं चाहते हैं जो हम झेले हैं वो हमारी बच्ची भी झेले। चल बेटा। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मुना कुमारी। कहाँ तक पढ़ी है बेटा? जी बीए ऑनर्स। बेटा ज्योति उतार कर हमारे पास आके बैठ जाओ। मुना रुको जरा, क्या कर रही है नेहा जी? ये देखिए। अरे आप लोग क्या समझ रहे थे कि हीरे के भाव में कोला बेच देंगे तो हम ले लेंगे? अंधे हैं क्या हम लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? सरे आम धोखाधड़ी कर रहे हैं आप लोग। हाँ अरे आपकी बेटी को तो हम अपने घर की बहुरानी तो क्या नौकरानी तक भी नहीं बनाएंगे, समझे आप? चलो तमाशा बना के रख दिया हमारा, संभाल के रखो इसको। चल आजा। भगवान ने क्या लिखा है मेरे मोना के किस्मत में, इसको भी हमारा ही रंग मिलना था। अपने पिताजी के रंग पे क्यों नहीं गई? मैं पिताजी के रंग पे चली जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कितनी बेइज्जती लिखी है मेरी किस्मत में, आज 5वां लड़का नापसंद करके गया इसको, क्या होगा मेरे मोना का? तुम चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक तरकीब है। आपका नाम क्या है बेटा? सोना। सॉरी मोना, मोना कुमारी। ए बेटा कहाँ तक पढ़ी हो? बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी। भाई तुम्हें कुछ पूछना तो पूछो। जी आपकी हॉबीज क्या है? हमें ना गाना गाना बहुत पसंद है और अच्छी जगहों पर घूमना। गाना और अच्छी जगह पर घूमना। आपका फेवरेट कलर? स्काई ब्लू, आसमान का रंग, क्योंकि हमें भी ना सोना आसमान की तरह बड़ा और विशाल बनना है। स्काई ब्लू। आपको घूमने के लिए कौन सी जगह पसंद है? बर्फीली जगह जहाँ चारों तरफ दूधी और बर्फ फैली हो, और जैसे कश्मीर, जैसे मनाली, नैनीताल।
बर्फीली जगह। ओके। हाँ भाई अंकित, लड़की पसंद है ना? जी। ओम गणपतये नमः श्री शिवाय नमः सुभ्यम। वरवधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। रुक जाइए पंडित जी, फेरा नहीं होगा। हमें लड़की का चेहरा देखना है। देखिए हमारे खानदान में दुल्हन मंडप पे चेहरा नहीं दिखाती, ये हमारे परंपरा और शान के खिलाफ है। लेकिन हमें लड़की की सूरत देखे बिना फेरे नहीं होने देंगे। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो समधी जी। अगर आपकी बेटी के साथ ये सब होता तब क्या करते आप? हम कुछ नहीं जानते। अजीत बाबू ये सब ठीक कह रहे हैं, बात को आगे मत बढ़ाइए, शादी संपन्न होने दीजिए। पंडित जी आप फेरे शुरू कराइए। जी जरा दुल्हन का मुंह तो दिखाइए। हाँ हाँ भाई अभी दिखाते हैं। हाय राम! क्या हुआ नानी? तुम कौन हो और कहाँ से चली आई? कौन है ये? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी हम मोना हैं, हमारे यहाँ शादी हुई है। तुम मोना कैसे हो सकती हो? मोना को हम सबने देखा है। देखो कोई गड़बड़ हुई है, तुम गलती से यहाँ आ गई हो, तुम कोई और हो। तुम्हारे पति का नाम क्या है? जी अंकित। तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? अजीत सिंह। ये नहीं हो सकता, आप बोले ना। यानी कि मंडप में हमें जो खबर मिली थी वो सही थी? उस वक्त तो इसके घर वाले बाजी मार लेंगे, लेकिन वो गोरी लड़की कौन थी जिसे हमें दिखाया गया था? गोरी लड़की? गोरी लड़की तो हमारे घर में एक ही है, सोना, हमारी छोटी बहन। आपका नाम क्या है बेटा? सोना, सॉरी मोना, मोना कुमारी। अच्छा तो ये खेल तुम्हारे घर वालों ने खेला है? हाँ हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं तेरी धरती पर। क्या मतलब, इस खेल में तुम भी शामिल थी ना? नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम सच कह रहे हैं माँ जी, हमें तो ये बताया गया था कि हमें हमारे सांवले रंग के साथ ही स्वीकारा गया, हमारी पढ़ाई की वजह से। हाँ हाँ बड़ी कलेक्टर है ना तू, तो अपने भाई को बोल दे अचल कोठरी को ले जा अपने घर, कचरा पट्टी नहीं है हमारा घर। नहीं तो हम कह देते हैं किसी नदी नाला में फेंक देंगे तुझे, समझी? चल भाग यहाँ से, चल भगाओ जा यहाँ से। माँ आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? माँ इससे अच्छा तो जहर देके मार देते हो मैं।
सुनो, तुम्हें यहां से जाना होगा, समझी? अंकल जी, हमारी शादी हुई है आपके साथ, पति है आप हमारे, अब तो जीना मरना इसी घर में होगा, आप ही के साथ। ये शादी नहीं है, धोखा धोखा, और इस दुखी के साथ हम दोनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते, समझी? चलो अंकल जी, ऐसा मत करिए, कहां जाएंगे हम? अरे तुम्हारे पूरे परिवार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होना चाहिए। शुक्र मनाओ वो मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो, अरे चलो, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। वालों को मोना दीदी की जगह तुम्हें दिखा दे। नहीं भैया, हमसे ही नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। तू नहीं चाहती तेरी बड़ी बहन का घर बस जाए? भैया, हम मोना दीदी के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन ऐसा करने से उनकी जिंदगी और खराब हो जाएगी। सुना, तुम्हें भी इस बारे में पता था, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? भरोसा करते थे हम तुम पे, अपनी छोटी बहन के साथ साथ अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। अगर एक बार भी इशारा कर देती ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, अब हम वहां नहीं जाएंगे। जाना तो तुम्हें पड़ेगा मुना, से जाए भैया, उन लोगों ने हमें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है, तो भेजने से अच्छा तो आप हमें यही गला दबाकर मार दीजिए। नहीं दी, आगे दी आप। मोना, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी वजह से सोना की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। और आखिर कब तक, कब तक हम दो दो बहनों को घर पे बैठा कर रखते हैं? और तुम वापस नहीं गई ना, तो समझ लेना तुम सोना की जिंदगी से भी खेल रही हो। एक लड़के से इसकी शादी की बात चल रही है,
हाँ बेटा, सही कह रहा है अविनाश कि हम अपनी बहन की जिंदगी से खेलना चाहते हैं। हमको देख, तुम्हारे पापा हमको कितना धुतकारते थे, लेकिन एक दिन रोग आके हमको अपना ही लिए वो। एक दिन तुम्हें भी वो लोग अपना लेंगे बेटा। नहीं, अगर अपना ना होता तो भगाते हैं क्यों? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, वो लोग तुमको जरूर अपना लेंगे।